बैक टू अनदर डे एंड सो आज मैं जा रही हूँ थोड़ी सी आउटिंग पे पास में और बीबी मेरे साथ जा रहा है तो यहाँ लेट्स गो इट द फर्स्ट ट्रायल। सो ट्राई करके देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है। थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं हम हाफ एन आवर के लिए, उसके बाद आगे देखेंगे। तो गाइज यहाँ पे मैं और मम्मा बीबी के साथ जा रहे हैं बाहर। मम्मा ड्राइव कर रहे हैं और मैं बीबी को देख रही हूँ, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है आगे। थोड़ी सी राखी शॉपिंग के लिए, काफ़ी दिनों बाद हमें टाइम नहीं मिल रहा था तो अभी हम आए हैं। यहाँ पे बहुत ही प्यारी प्यारी ड्रेसेस लगी हैं, मेरे हाथ में बेबी सो रही है। सो या सारी सफाई यहाँ पे बैठी हुई हूँ उस पैसे लेकर। हमें आई थिंक बेबी कैरियर यूज़ कर लेना चाहिए, हम अभी फर्स्ट फ्राइड के लिए ऐसे आए थे बिकॉज अब बाहर निकलना शुरू करना है और यहाँ पे अभी हम हल्दीराम से सामान ले रहे हैं। अभी मैं घर आ गई हूँ, मेरी हालत देखो, पसीने पसीने हो गई, मैं इतनी गर्मी थी, ऊपर से मैं इतनी मोटी लग रही हूँ। अब मेरा फर्स्ट जो एक्सपीरियंस है बाहर जाने का, मेरा हाथ जो है टूट चुका है। ऐसे आप बच्चों को कैरी नहीं कर सकते, मैंने देख लिया। मुझे आई थिंक बेबी कैरियर आगे वाला ले लेना चाहिए, मेरे पास है भी, मैंने शायद लिया है। प्रैम आप हर जगह नहीं ले जा सकते हो अभी, तो फिगर आउट करते हैं कैसे क्या करना है। और अभी ये मैडम जो है इन्होंने पॉटी कर दी है, सुसु भी कर दिया है, तो मैं वैसे क्लीन करने जा रही हूँ और उसके बाद इनके खाने का टाइम हो जाएगा, मतलब सॉर्ट ऑफ फीडिंग टाइम। सो वो करवाती हूँ और फिर बाद में थोड़ी देर बाद मिलते हैं, बाय। मॉर्निंग गाइज, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। कल मैंने आके व्लॉग करते हुए देखा, आई एम सो सॉरी। मैं अभी सो के उठी हूँ, सो के क्या उठी हूँ, मतलब मैं हाटी एक घंटा सोई हूँ। ये मैडम जो थी मेरी वो सुबह 6 बजे तक जाग रही थी, उसके बाद मैं अभी सोई हूँ और अभी 7:30 के अराउंड हो रहा है। मैंने सोचा थोड़ा सा शूट कर लेते हैं और अभी माई प्रिंसेस इज अवेक एंड एक छोटा सा म्यूजिक सा मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। ट्राई कर रही हूँ कि थोड़ा सा बिजी हो जाए मैम, तो ऐसा होना पॉसिबल है नहीं। सो कल हम जाके वापस आ गए थे, मैं टायर्ड हो गई थी और फिर ये भी थोड़ी क्रैंकी हो रही थी तो मैंने व्लॉग बनाया नहीं आगे। तो आज है इंडिपेंडेंस डे, विश यू वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइज। आज आगे कैसे करना है, कैसा दिन जाता है, ऑलमोस्ट आज हम घर पे ही रहेंगे, आज हम कहीं जाने का प्लान कर नहीं रहे हैं बिकॉज इंडिपेंडेंस डे होता है काफ़ी भीड़ भी होती है, जगह पे लोग घूमते हैं जाते हैं और वीकेंड का दिन है तो हम इसे ऑलमोस्ट भीड़ वाली जगह पे अभी लेके जा नहीं रहे हैं। और अभी ब्रेकफास्ट करूँगी मैं, इसकी मसाज होगी, मेरी मसाज होगी, उसके बाद बाथ टाइम, देन आई एम होपिंग कि ये सो जाए। मुझे ऑफिस के काम भी करना है, मुझे अमेज़ॉन का काम करना है, मुझे मेरी वेबसाइट का काम करना है, काफ़ी काम पेंडिंग चल रहा है वो मुझे सब कंप्लीट करना है। तो देखते हैं कैसा जाता है, और तो कुछ भी फिक्स नहीं होता है कि मैं आगे क्या करूँगी क्योंकि सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यार लेट्स गो एंड लेट्स सी कैसा दिन जाता है। गाइस सी मैं आपको ये एक ये आई थिंक ड्रीम नाइट लैम्प साइड सॉर्ट ऑफ थिंग है, नाइट लैम्प सॉर्ट ऑफ थिंग है जो इसको गिफ्ट मिला था, इसकी बुआ ने गिफ्ट किया था, तो ये बहुत ही अमेजिंग लगा मुझे। आई थिंक इसमें कलर्स चेंज होते रहते हैं, इसमें काफ़ी म्यूजिक चेंज होता रहता है बटन्स के साथ, यहाँ स्टार्स बने हैं, ऑन ऑफ का बटन है, ये बेबी के पास रख दो एंड वो थोड़ा सा बिजी हो जाता है। जैसे ये मैम थोड़ी सी बिजी है यहाँ पे, थोड़ा सा देख रही हैं, ट्राई कर रही हैं, अभी बेबीज को इतना दिखता नहीं है नियर बाय का, बट या अच्छा अच्छा टॉय है ये।